ये देखिए, मैंने ये चावल है बिरयानी वाला, इसको मैंने पहले से उबाल के रख लिया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको थोड़ा ही पकाना है। और इसमें क्या क्या सामान डलेगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हमारे फ्रोजन मटर हैं, और ये गाजर, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन, आलू, हरी मिर्च लंबी कटी हुई, और प्याज, और टमाटर की प्यूरी। अगर आपके पास फूल गोभी है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, और कोई सब्जी है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। चलिए हम बनाना चालू करते हैं। चलिए, हमारा तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज तल के निकाल लेंगे। प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे। इसको हम ऊपर से डालने को लगेंगे इसमें वेज बिरयानी में। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। ये देखिए, ब्राउन हो गई है, क्रिस्पी और ब्राउन होने तक इसको बढ़िया तलना है। ये देखिए, ये तल गई है। अब हम इसको निकाल के रख लेंगे अलग। ये देखिए, हमारी प्याज बढ़िया कुरकुरी और ब्राउन हो गई है। अब इसको हम ऊपर से डालने के लिए रखेंगे। इसको अलग रख लें निकाल के। अब बाकी सब्जियां हम इसमें डालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें जीरा। और बाकी मसाले सब हमने चावल में डाल दिया था, तो इसमें नहीं डालेंगे खड़े मसाले। जीरा डाल दिया हमने इसमें। अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे अपना मटर, गाजर, आलू, फ्रेंच बीन और शिमला मिर्च, सभी सब्जी हम इसमें डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा अच्छे से भून जाए उसके बाद हम इसमें अपने डालेंगे टमाटर की भी, देर इसको पकने दें। अब थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसी में हम डालेंगे अपनी टमाटर की प्यूरी। थोड़ी सी धनिया डाल दें, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको हम चला देंगे। थोड़ा सा इनको भूनने देंगे, इसको ढककर रख देंगे। हमारी सब्जियाँ हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं दही। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी हम डाल दे रहे हैं इसमें। हमारा बिरयानी मसाला,
इसको हम अच्छे से चला देंगे। हम इसमें अपने चावल डालेंगे, पहले थोड़ा सा पानी डाल लें इसमें। ये पानी हमने वो चावल पकाया था उसी का पानी, उसी को बचा के रखा था, उसी को हम डाल रहे हैं। नमक डाल दें थोड़ा सा, नमक हमने पहले भी डाला था इस पानी में चावल के, इसलिए हम कम डालेंगे नमक। ये हमने एक चम्मच नमक डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप खाते हो। अब इसमें डालेंगे हम चावल। जो हमने प्याज बचा के रखी थी, तल के रखी थी, उसको डालेंगे हम इसमें। फिर से हम इसको चावल को इस पर डालेंगे। आप इसके 3-4 लेयर बना सकती हैं। जो सब्जी हमने पकाई है ना, उनको कुछ थोड़ी सब्जी निकाल के रख लीजिए और उनको फिर ऐसे डाल सकती हैं। चलिए अब इसके ऊपर हम डालते हैं हमारा, ये मैंने पुदीने की पत्तियों को सुखा के और पीस के रखा था, इसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे ये हमने मक्खन, ये बटर को हमने लिया है, इसको डाल देंगे इसी पे। आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा बिरयानी मसाला और डाल देते हैं ऊपर से। इसकी खुशबू पूरे चावल में आए। ये बिरयानी वाला चावल अलग आता है, उसी से ही बनती है। वैसे तो आप नॉर्मल चावल से ही बना सकते हैं, पर ये वाले चावल से ज़्यादा अच्छी बनती है। चलिए अब हम इसको ढक के रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढककर रख देते हैं। हमने जो आधा पका हुआ चावल रखा था ना, अब वो ढक के जब रखेंगे और जो पानी डाला है उससे वो अच्छे से पक जाएगा चावल। ये देखिए हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए मेरी वेज बिरयानी बनके तैयार है, और साथ में मटर मशरूम की सब्जी और सलाद। अब बढ़िया गर्मा गर्म सबको खिलाइए और आप भी खाइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।